हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम मॉक टेस्ट करेंगे एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, टीयर वन के लिए। और जिस तरीके से टीयर वन में 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश सेक्शन के, उसी तरीके से इस मॉक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सारे रियल क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लेना है एक क्वेश्चन में करने में। आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है और ये सिंपल क्वेश्चन ही रहते हैं एसएससी के। तो इन क्वेश्चंस को आपको करना है और इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को मेज़र कर सकते हैं कि इंग्लिश सेक्शन में आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप एक कॉपी और एक पेन ले लें और इनके आंसर सबसे पहले आपको खुद को देना है और उसके थोड़ी देर बाद मैं इनके आंसर्स और इनके एक्सप्लेनेशंस आपको बता दूंगा। तो उसके थ्रू आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच करके अपना स्कोर आप बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर वन और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और 30 सेकेंड का आपको टाइम लेना है, उसका आंसर आप दे दें और उसके बाद अनपॉज करके फिर आगे बढ़ जाएं। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, द हायर यू द मोर डिफिकल्ट इट टू ब्रीद। देखिए, ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न में हम दोनों ही जगह कंपेरेटिव डिग्री हम एडजेक्टिव की लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हायर लगाया है और यहाँ पर हमने मोर लगाया है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न में दोनों ही क्लॉजेज में, दोनों ही पार्ट में हम एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर चूंकि यू लगा हुआ है तो यू के साथ हम ऐसी वर्ब लगाएंगे जिसमें एस ना हो, क्योंकि यू प्लूरल माना जाता है। यू मतलब प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम क्लाइम लगाएंगे और यहाँ पर चूंकि इट सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे बिकम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सेकेंड। और इसको यदि आप पूरा पढ़ें तो ये हो जाएगा द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीद। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपके लिए ज़्यादा कठिन होता जाता है सांस लेना, ब्रीद मतलब सांस लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको जवाब देना है। इसका इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड। ये क्वेश्चन सेकंड है आपके सामने और वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड में इसका आंसर आपको देना है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। चूंकि नेहा यहाँ पर जो है वो सिंगुलर है इसलिए इसमें हैव बीन का प्रयोग नहीं होगा, इसमें हैज़ बीन का प्रयोग होगा। और चूंकि यहाँ पर मॉर्निंग जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और फॉर में से सिंस का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग करते हैं हम ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मॉर्निंग, वाई नेहा क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, नेहा मॉर्निंग से क्यों रो रही है। तो मॉर्निंग क्या है, इसमें एक एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा सेकेंड, वाई नेहा हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सेकेंड इसमें आपका आंसर होगा। तो अपना स्कोर आप बनाते चलें, देखते चलें कितना स्कोर आपका बन रहा है। ये क्वेश्चन थ्री आपके सामने है और इस वीडियो को पॉज कर दें, 30 सेकेंड में इसका आंसर दें। एंटोनिम आपको बताना है टेंगल का, क्या एंटोनिम होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। टेंगल का पहले सिनोनिम पता होना चाहिए आपको। टेंगल का मतलब होता है किसी चीज़ का उलझ जाना आपस में, ठीक है। तो उलझ जाने के लिए हम इनमैश भी बोलते हैं और इनस्नेयर भी बोलते हैं। तो इनमैश और इनस्नेयर, इनमैश और इनस्नेयर, ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। स्पैट का मतलब होता है फाइट यानी झगड़ा, और जो चीज़ उलझी हुई नहीं है वो चीज़ होगी ऑर्डर में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑर्डर। यहाँ पर आपको एंटोनिम चाहिए, यहाँ पर आपको सिनोनिम नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है, इसका सिनोनिम आपको बताना है मर्की, ठीक है। तो इसका आप आंसर आप लगा लें, आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वीडियो को पॉज करके। और अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर मर्की का। मर्की का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल है, जो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। तो यदि सिनोनिम पूछा जाए तो क्वेश्चनेबल होगा, ठीक है। यदि इसका एंटोनिम पूछा जाए तो ट्रांसपेरेंट होगा इसका एंटोनिम। स्केप्टिकल का अर्थ क्या है, स्केप्टिकल का अर्थ डाउटफुल होता है। डेस्पिकेबल का लोथसम होता है और सिनुअस का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा यानी विंडी। तो यहां पर इसका आंसर होगा आपका मर्की का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्वेश्चनेबल। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है, इसमें भी आपको सिनोनिम बताना है। फ्रैकस का क्या अर्थ होता है और इसका आंसर आप लगा लें। फ्रैकस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रैकस का अर्थ होता है कोलाहल या डिस्टर्बेंस या शोरगुल।
और इसका जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है इसका फल, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा। रेटिसेंस का अर्थ होता है रिजर्व होना, रिजर्व नेचर होना किसी व्यक्ति का, या कम बोलना उसको हम बोलते हैं रेटिसेंस। एडेमेंस का अर्थ होता है जिद्दीपन या ढीठपन, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होता है शांति, ट्रैंक्विलिटी। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा फ्रैकस का इसका फल। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकम्प्लिस। तो इस क्वेश्चन को आप देखें आराम से और इसके थ्रू आप बताएं कि क्या आपका सही इसमें आंसर होगा। इसमें आपको सिनोनिम बताना है। और एकम्प्लिश, एकम्प्लिश का मतलब होता है जो व्यक्ति आपका साथ देता है गलत काम को पूरा करने में, आपका एक कंपेनियन होता है, उसको हम बोलते हैं एकम्प्लिश। इसमें सी आई आता है, इसमें एस एच नहीं आता। वो एकम्प्लिश जो होता है वो अचीव वाला होता है, तो यहाँ पर अचीव इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अकम्प्लिश का अर्थ होता है जो आपका कंपेनियन होता है, जो आपको कॉपरेट करता है, आपका साथ देता है। तो उसके लिए जो वर्ड है वो है अबेटर, अबेटर उसके लिए वर्ड है, और बी इसका सही आंसर होगा। सूथ का मतलब शांत करना होता है, डिस्कार्ड का मतलब कैंसिल करना होता है, ठीक है। अबेटर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर आपको देना है। ये एसएससी के सभी एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चेस, लॉन्चर्स मतलब गन्स का या मिसाइल लॉन्चर्स का ग्रुप, गन्स का या मिसाइल लॉन्चर्स का ग्रुप उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, बैटरी है, बेल है, बेबी है, बुके है। बुके तो फूलों का गुलदस्ता होता है, बेबी एक ग्रुप होता है, बेल एक बंडल होता है, और बैटरी यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा। तो ये चारों जो वर्ड हैं इनको भी आप स्टडी करें ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकें। बेबी एक ग्रुप होता है लोगों का, बेल हम जैसे जो बंडल होता है जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोई भी चीज़ का बंडल, उसको हम बोलते हैं बेल। बुके फूलों का गुलदस्ता होता है, तो बैटरी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर्ड टू अपलोड एट ए परफॉर्मेंस। किसी परफॉर्मेंस में फॉलोअर्स को बुला लेना, हायर करके उनको बुला लेना ताकि वो वहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें ताली बजा सकें और इस तरीके से प्रमोट कर सकें उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक आंसर आप लगाएं और उसके थोड़ी देर बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। कॉकस और कॉन्वेंट, तो एक्चुअली नंस का, यहाँ पर नंस रहती हैं उसको कॉन्वेंट बोलते हैं। कॉकस भी एक ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप होता है एक, और क्लिप, क्लिक भी एक ग्रुप है। क्लैक इसका सही आंसर होगा, CLAQUE। और ये है स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चन, इसमें जिस पार्ट में एरर आपको लग रही है वो आपका इसमें आंसर होगा। तो इस वीडियो को पॉज करें और 30 सेकेंड का टाइम लें आप और इसमें आप आंसर बताएं इसका। अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। द असैसिन मतलब जिसने किसी व्यक्ति को मारा है उसको हम बोलते हैं असैसिन। कन्विक्टेड मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग इवन दो द डिफेंस लॉयर हैंडल द केस एफिशेंटली। हालांकि डिफेंस लॉयर ने उस केस को अच्छे तरीके से हैंडल किया, उसके बावजूद भी असैसिन को कन्विक्ट किया गया और ऑर्डर किया गया, कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि उसको हैंग किया जाए, उसको फांसी पर लगाया जाए। तो फांसी पर चढ़ाने के लिए हम हैंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, हंग नहीं। हैंग, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। हंग का मतलब होता है कपड़े टांगना, ठीक है। हैंग, हंग और हंग इस सेंस में हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है कपड़े टांगना, और हैंग में जब हम ईडी लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है फांसी पर लटकाना किसी व्यक्ति को। तो इसलिए हंग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैंग, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीइंग अनेबल टू कोप अप विद द सिलेबस ही डिसकंटिन्यू द कोर्स। तो इसमें क्या गलती है, देखिए जो कोप अप विद जो होता है ये गलत इसका इडियम है, इसमें हम अप नहीं लगाते, इसमें हम कोप विद बोलते हैं, केवल कोप विद, ठीक है। किसी चीज का सामना करना, किसी चीज का सक्सेसफुली सामना करना। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है चूंकि वो अनेबल था सिलेबस को पूरा करने में इसलिए उसने कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और ये वुड हैव वाला क्वेश्चन है। ये कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित ये एक सेंटेंस है। कंडीशन तीन तरह की होती हैं,
ठीक है, तो इसका इसके इसका जो डिटेल वीडियो है आप देख सकते हैं इसका। तो इसमें एक होता है कंडीशन पार्ट और एक पार्ट होता है रिजल्ट पार्ट। ये है कंडीशन पार्ट जिसमें एफ लगा रहता है, ठीक है, इसमें एफ लगा रहता है, और ये है आपका रिजल्ट पार्ट, ठीक है। तो रिजल्ट पार्ट में हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वुड हैव के साथ हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है ये, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसमें हम हैड या हैड बीन लगाते हैं। चूंकि ये पैसिव वॉइस है, वॉस के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस है। इसमें बी थ्री लगा हुआ है वॉज वर्ब के साथ, तो ये पैसिव वॉइस है, तो इसमें वॉज के स्थान पर यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग होगा, ठीक है, यहाँ पर। इसलिए इसमें ए इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसको आप करें। वीडियो को पॉज करके 30 सेकेंड का टाइम लेना है आपको। और अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। एम्स का मतलब होता है मदद करना या सहायता, तो एम्स के बाद आर आता है, ये प्लूरल होता है, तो ये तो यहाँ पर सही है। लेकिन एम्स आर गिविन टू द पुअर। द पुअर जब आप बोलेंगे तो उसका मतलब होता है पुअर लोगों का समूह, ठीक है। दा के बाद दा रिच, दा पुअर, कुछ भी आप लगाते हैं तो उसका मतलब होता है समूह, ठीक है। इसमें आप एस नहीं लगा सकते, ये एस लगा के इसको आपने गलत कर दिया। द पुअर, द रिच, द मॉडर्न, द बोल्ड, द ब्यूटीफुल, इस तरह से आप बोलते हैं तो उसका मतलब होता है वैसे लोगों का ग्रुप, और इसमें आप एस नहीं लगाते हैं, तो इसमें सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वी हैव टू इंश्योर, तो इसमें आप बताएं कहाँ गलती है इस क्वेश्चन में, वीडियो को पॉज करके। और अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। इसमें इंश्योर जो है ये वर्ड गलत है, इंश्योर की जगह इसमें ई वाला इंश्योर आएगा, ठीक है। ये जो इंश्योर है ये इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस है, तो ये गलत है, और बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। ये नो सूनर क्वेश्चन, नो सूनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम हार्डली के साथ वैन लगाते हैं और नो सूनर के साथ हम देन लगाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें इसमें आप, नो सूनर जो चूंकि निगेटिव वर्ड है, इसलिए निगेटिव वर्ड में हम पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नो सूनर के बाद पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ये सब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। और चूंकि डिड लगा हुआ है, तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो कि सही है। लेकिन इसमें नो सूनर के बाद हम टी एच ए एन देन लगाते हैं, टी एच ई एन देन नहीं, तो यही इसमें गलत है, और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। ये पी क्यू आर एस पैराजम्बल के क्वेश्चंस हैं, और इस वीडियो को आप पॉज करें और 30 सेकेंड में इसका आंसर दें। काउंटलेस सी एनिमल्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। आंसर, काउंटलेस सी एनिमल्स लिव्ड इन द ओशन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सी एनिमल्स, अनगिनत सी एनिमल्स ओशन में लाखों साल पहले रहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है, सी एनिमल। पैराजम्बल में सबसे पहले नाउन आता है और बाद में उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो सी एनिमल्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, इट से या दे से? इसको चूंकि ये प्लूरल है, इसलिए इसको हम दे से रिप्लेस करेंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये सेकंड बन जाएगा इसमें। जब वहाँ पर रहते थे तो उसके बाद क्या हुआ, व्हेन दे डाइड दे सैंक टू द ओशन बेड, ठीक है। जब वो मर गए तो उसके बाद वो ओशन बेड में चले गए। व्हेन दे डाइड दे सैंक टू द ओशन बेड, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। व्हेन दे डाइड, आपको एक्चुअली पूरा सीक्वेंस एक बनाना होता है कि कहाँ से लॉजिकली सही सेंटेंस बन रहा है। व्हेन दे डाइड दे सैंक टू द ओशन बेड, और उसके बाद क्या हुआ, जब आदमी या कोई भी एनिमल मर जाता है तो उसके बाद उसका डिके होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप बोलेंगे एंड डिकेड इन टू स्लज, ठीक है। और इसके बाद आप बोल सकते हैं ये वाला सेंटेंस, और इसके बाद आ जाएगा ये वाला सेंटेंस फोर्थ, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, इसका सीक्वेंस बनेगा क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर,
क्यू एस, क्यू एस आर पी बनेगा, क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी बनेगा इसका सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करना है आपको। और ये है सेकंड क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इट, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस डे बाई डे, ठीक है। और इसके बाद आप ये बोल सकते हैं एंड दिस फिनोमिनॉन ऑफ जॉबलेसनेस इज गिविंग राइज टू मैनी प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी। पहले आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला, फिर आपने बोला कि इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस डे बाई डे, ये सीरियस होती जा रही है। और उसके बाद आपने एंड लगा के फिर बोला एंड दिस फिनोमिनॉन, और ये घटना जो है जॉबलेसनेस की, ये मैनी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है। गिव राइज टू मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट कर रही है, जैसे पॉवर्टी को। तो इसलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकंड, और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड। इंडिया हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1.25 बिलियन, मैनी ऑफ द इंडियंस आर जॉबलेस, ये हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा फोर। तो इसमें आपका क्या सीक्वेंस बनेगा, इसमें बनेगा पी आर क्यू एस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट योर एक्ट टुगेदर इसका क्या मतलब है, और इसका आंसर होगा या तो आप अच्छा काम करें या उस काम को छोड़ दें, ए इसका आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन द बॉल क्या मतलब होता है इसका, ऑन द बॉल, और इसका आप आंसर लगा लें। अब मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, इसका आंसर होता है डूइंग अ गुड जॉब। हिट द सेक, एक होता है हिट द सेक, गेट द सेक भी होता है, गेट द सेक का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना, किसी नौकरी से निकल जाना। और हिट द सेक, एक्चुअली सेक हम बोलते हैं गद्दे को, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब होता है सोने जाना, गो टू स्लीप, ए इसका आंसर होगा। बाइट द बुलेट इसका मतलब क्या है, बाइट द बुलेट इसका आंसर आप लगा लें, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाइट द बुलेट का मतलब होता है, बुलेट का मतलब होता है कोई चीज, कोई डिफिकल्ट चीज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड, शैम्पेन की कौन सी स्पेलिंग सही है इसमें, और शैम्पेन की इसमें ये वाली स्पेलिंग सही है, सी एच ए एम, सी एच ए एम पी ए जी एन ई, तो इसका आंसर होगा आपका ए। एटसेट्रा कौन सी स्पेलिंग सही है देख लीजिए आप इसमें, और इसका आंसर आप लगाएं। एटसेट्रा में सारे ई आते हैं, जैसे इसमें ई लिखा होगा, ई ई और ई, तो इसका आंसर होगा सेकंड। एम्बेरसमेंट में डबल आर और डबल एस आता है, एम्बेरसमेंट मतलब घबराहट, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस एम ई एन टी, तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी इसका आंसर होगा आपका फोर्थ। और फारेनहाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, और इसमें एफ ए एच होता है शुरू में, एक्चुअली एफ ए एच आर ई एन एच ई आई टी, यही इसकी सही स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, और अब आप माइनस मार्किंग हटा के अपना स्कोर आप बना लें और देखें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। यदि 75 से 80% तक आपका स्कोर बन रहा है तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो मुझसे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या इस ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।